आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट कोहली ने मारा दुनिया का सबसे लंबा छक्का, तो दंग रह गए महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ अंतिम मुकाबले में विराट कोहली ने शतक लगाने के बाद दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगा दिया है, जिसको देखकर महेंद्र सिंह धोनी के भी होश उड़ गए। तो आखिरकार विराट कोहली ने छक्का कब और किस खिलाड़ी के सामने लगाया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस छक्के का वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले में भारतीय टीम काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन कर रही है, जहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने काफी खतरनाक प्रदर्शन कर दिया। आपको बता दें, भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन किया। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 42 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। इसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की है। आपको बता दें, दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक तो पूरा कर ही लिया, साथ ही साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया। इसी बीच विराट कोहली ने सभी को धोनी की याद दिला दी। आपको बता दें, गेंदबाजी का 44वां ओवर चल रहा था, ऐसे में गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज रजीठा को विराट कोहली ने लंबा छक्का जड़ दिया। आपको बता दें, गेंदबाज ने चौथी गेंद पर विराट कोहली को लंबी गेंद दे दी, ऐसे में विराट कोहली ने आगे बढ़कर महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में हेलीकॉप्टर शॉट के दौरान 97 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद विराट कोहली ने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए आगे भी शानदार प्रदर्शन किया। इस छक्के को देखकर हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि इस छक्के ने महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। इस छक्के को देखकर हर कोई दंग रह गया था। दोस्तों, विराट कोहली और शुभमन गिल ने लगाया अपना तूफानी शतक, तो दंग रह गए वीरेंद्र सहवाग। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ अंतिम मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों ने अपने शतकीय पारी खेली। दोनों की खौफनाक शतकीय पारी को देख वीरेंद्र सहवाग दंग रह गए। वीरेंद्र सहवाग ने दोनों की जमकर तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी किया, जिसको सुनकर आप भी वीरेंद्र सहवाग को सलाम ठोकेंगे। तो आखिरकार वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली और शुभमन गिल को लेकर क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और शुभमन गिल में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ अंतिम मुकाबले में विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों ने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए अपना अपना शतक ठोक दिया। दरअसल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट 95 रन के स्कोर पर गिरा दिया, जहां पर रोहित शर्मा 42 रन के स्कोर पर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए। विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस बीच विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक 50 गेंदों पर पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने हद से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना शतक पूरा कर लिया। ऐसे में दोनों खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने शतक लगाया, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग का बयान सामने आया है। वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दिखा दिया है कि इन दोनों से बेहतर बल्लेबाज कोई भी नहीं है। दोनों अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से किसी भी टीम को आराम से हरा सकती है। दोनों की शानदार बल्लेबाजी ने हर किसी गेंदबाज को चारों खाने चित कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहाँ पर विराट कोहली ने 46वां शतक पूरा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने ओपनर के तौर पर जगह पूरी कर ली है। दोनों बल्लेबाजों ने किस प्रकार से बल्लेबाजी की उसे देख हर कोई दंग रह गया है। मुझे उम्मीद है इसी तरीके से भारतीय टीम और भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने के लिए आगे बढ़ती नजर आएगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। विराट कोहली के लिए वनडे फॉर्मेट सबसे बेहतरीन है। विराट कोहली इस फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। इनको इस फॉर्मेट में हराना बेहद मुश्किल है। भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज कोई भी नहीं है, और मुझे उम्मीद है इसी तरीके से भारतीय टीम विराट कोहली के दम पर आगे भी जीत दर्ज करती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा शुभमन गिल ने भी यहाँ पर जबरदस्त पारी खेलते हुए सभी को हैरान कर दिया है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी हर किसी को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ये अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से हर किसी को परेशान कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने लगातार कंटिन्यूस प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने का कार्य किया है, और मुझे उम्मीद है भारतीय टीम को जीत दिलाते हुए ये दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों रोहित शर्मा के तूफान के बाद देखने को मिला शुभमन गिल और विराट कोहली का खौफनाक मंजर। जी हां दोस्तों, लंका के खिलाफ अंतिम मुकाबले में विराट कोहली और शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा तूफानी प्रदर्शन कर दिया जिसके बाद तो श्रीलंकाई गेंदबाज भी सिर पकड़कर रोने लगे और मजबूर हो गए। तो वहीं विराट कोहली और शुभमन गिल ने एक ऐसा कारनामा भी किया जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो आखिरकार विराट कोहली और शुभमन गिल ने मिलकर कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम लगातार चौथी बार क्लीन स्वीप करने के लिए तिरुवनंतपुरम के स्टेडियम पर श्रीलंका के खिलाफ अंतिम मुकाबला खेलने के लिए उतरी। इस मुकाबले में आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम में रोहित शर्मा ने दो बड़े बदलाव किए जिसमें हार्दिक पांड्या और उमरान मलिक को आराम दिया गया और इनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव और वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। ऐसे में इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की, तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत रजीठा ने की, जहां पर पहले ही ओवर में एक भी रन गेंदबाज को नहीं दिया गया और पहले ही ओवर में मिडन डाल दिया गया। दरअसल अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने चौके के साथ अपना खाता खोला जिसके बाद हर कोई काफी ज्यादा हैरान है। लेकिन इसके बाद फिर से गेंदबाजी करने के लिए रजीठा मैदान पर आए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र एक रन दिया है। तो वहीं रजीठा ने विकेट निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसी बीच शुभमन गिल ने पांचवें ओवर में दो चौके लगाए जिसका विरोधी बल्लेबाजों को हैरान कर दिया। इसी बीच एक ऐसा ओवर आया जिसने मैच के रोमांच को बदल कर रख दिया। दरअसल गेंदबाजी करने के लिए छठे ओवर में कुमार आए और ऐसे में कुमारा को पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने लंबा छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा डायरेक्ट हिट के चलते आउट हो गए। लेकिन इसी बीच पता लगा कि बल्लेबाज नॉट आउट रहा, परंतु इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए। शुभमन गिल ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद पर चौका लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अगली तीन गेंदों पर तीन चौके लगाए। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए आए वानिधु हंसरंगा ने रोहित शर्मा को काफी ज्यादा परेशान किया, लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी को समझ गए और उन्होंने इस गेंदबाज के सामने धीमी बल्लेबाजी की। तो वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में रोहित शर्मा ने अपना तूफान लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल गेंदबाजी करने के लिए आए रजीठा ने रोहित शर्मा को काफी ज्यादा परेशान किया, लेकिन रोहित शर्मा तो कप्तान है, उन्होंने कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अगले तीन गेंदों पर दो छक्के और एक चौका लगाया। दरअसल रोहित शर्मा ने पहला छक्का छोटी गेंद पर 77 मीटर का लगा दिया, लेकिन इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद पर 81 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद गेंदबाज ने वापसी करने की सोची, लेकिन गेंदबाज को काफी ज्यादा परेशान करने के लिए रोहित शर्मा ने कोशिश की, लेकिन एक और चौका लगा दिया और गेंदबाज को काफी ज्यादा हैरान कर दिया। इसी बीच दोनों ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने की वजह धीमी बल्लेबाजी की, क्योंकि गेंदबाजों ने पावर प्ले के बाद बल्लेबाजों को दबाव में डाल दिया, जहां पर पावर प्ले में 75 रन बनाए। इसके बाद काफी ज्यादा मायूस हो गए थे क्योंकि गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहा था। ऐसे में एक बार फिर से पिछले मुकाबले की तरह करुणा रत्ने ने भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को पहला झटका 95 रन के स्कोर पर मिल गया, जहां पर 16 ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए करुणा रत्ने ने बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा 49 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें चमिका करुणा रत्ने ने अविष्का के हाथों कैच कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए। तो वहीं शुभमन ने वनडे करियर का छठा अर्धशतक लगाया, वो फिलहाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद दूसरी तरफ से बल्लेबाज विराट कोहली ने भी बल्लेबाजी में बदलाव कर दिया और अब थोड़ी बहुत तेज बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी। तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 150 रन के आंकड़े को 24 ओवर में भारतीय टीम के पानी निकाल दिया। लेकिन इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। इसी बीच विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी में काफी ज्यादा तेजी प्रदान कर दी, जिसके बाद दोनों बल्लेबाज 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच कप्तान दासुन शनका खुद गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां पर पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने
चौका लगा दिया और इसी के साथ 26 ओवर में भारतीय टीम ने 162 रन एक विकेट के नुकसान पर बना दिए और दोनों बल्लेबाज जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देख लग रहा था कि आज दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी से अपना अपना शतक पूरा कर लेंगे। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 300 रन के लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।